नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखते हैं ये हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की वीडियोस हैं, और मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे डाउनलोड किए हैं, लेकिन सारे वीडियोस पूरी तरह से क्लास के नहीं है, क्योंकि हम जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस की कुछ सैंपल रिकॉर्डिंग्स को हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन, तो हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास जो है क्लासरूम से बेटर ट्रेनिंग है, जिसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, रीज्वाइनिंग, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आप आपकी जो क्लासरूम ट्रेनिंग है उससे बेटर इसको बनाती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिम्फनी के बारे में। जी हाँ, सिम्फनी। आईबीएम से आप देख रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा है वो माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है, उसी तरह से आईबीएम का लोटस सिम्फनी है। अरे, कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। जब एक्सेल के ऑफिस नहीं थे तो लोटस मूव चलते थे। तो अभी रिसेंटली जो आईबीएम का सिम्फनी है, लोटस सिम्फनी है, उसमें आप जब ओपन करेंगे तो आपको तीन चीज मिलेगा। डॉक्यूमेंट जो कि एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड के साथ मैच करता है, प्रेजेंटेशन मतलब कि पावर पॉइंट के साथ मैच करता है, और स्प्रेडशीट जो कि हमारा एक्सेल के साथ कंपेयरिंग होता है। तो वर्ड एंड इस पे पीपीटी पे हम डिस्कस करेंगे, हम बात करते हैं स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट को आप देखते हैं तो स्प्रेडशीट जो आपका ये दिख रहा है ये हमारे एक्सेल 2003 से मिलता जुलता है, बिल्कुल वही सारे मेनू बार है, वही सारे फीचर्स है, और उतना ही हमारे पास रो है। नहीं, रो अब बढ़ गया है, रो 10,49,000 हो गया, जो कि एक्सेल में इतना ही था, पहले 65,000 ही था, अब बढ़ गया है, तो बड़ा इसमें हो गया है, और वही एक सेल है, हर चीज वही है, बट हर चीज वही है। आप वही सारे फॉर्मूला जैसे कि वी लुकअप, हाँ आ रहा है सब, इक्वल के साथ आप वी लुकअप जैसे फॉर्मूला लगा सकते। बट यही ये है कि जैसे कि हम एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में कॉमा देते थे ना, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, तो एक्सेल के में हम लोग क्या करते थे, हम करते थे कि A2, B2 सम के अंदर, मान लीजिए A2, और यहाँ पे फिर हम वापस बी ए टू सेलेक्ट किया, और फिर हम यहाँ पे सेमी कॉलन करेंगे और बी टू तब समा है। तो वहां पे जो फॉर्मूले में कॉमा होता है यहाँ पे सेमी कॉलन हो जाता है। अब बोलोगे सर जब हर जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही छाया हुआ है तो हम सिम्फनी को क्यों सीखे, ऐसा नहीं। अब स्टेट बैंक के ग्रुप को देखिए, वो सिम्फनी यूज करती है, एक्सेल बहुत कम ही, जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में ही एक्सेल मिलेंगे, भले बाकी ब्रांचेस में आपको सिम्फनी होगा, क्योंकि लाइसेंस ऐसे आप लोग जब पायरेटेड लेके इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं पायरेटेड कर लेते हैं, लेकिन कंपनीज को परचेज करना होता है। बहुत सारे कंपनीज में आपको आईबीएम का लोटस सिम्फनी मिलेगा, क्योंकि चीपेस्ट होता है, आई थिंक फ्री भी होता है, चीपेस्ट भी होता है, तो बेनिफिट्स हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि CSV फॉर्मेट बहुत अच्छा काम करता है। तो कुछ इसके बेनिफिट पॉइंट भी है, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी है, जिसपे हम आने वाली नई नई वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसको सीखना चाहते हैं, चाहे एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, या VBA प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, या सिम्फनी सीखना चाहते हैं, आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको जो है हर एक चीज को हम सिखाते हैं।
और यहां भी देखिए इसका भी कोड होता है। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, आगे वाले वीडियोज में इसके बारे में बताएंगे। तो जस्ट ओवरव्यू था, तो इसके बारे में आगे की क्लासेज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।